पंडित जी जो कि आपको 24 तारीख को इंदौर में होने वाले मैच में कमेंट्री करते हुए दिखाई देने वाले हैं और अभी फुर्सत के समय यहां पर आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, और 24 तारीख के मैच में मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपको मैच अच्छा देखने को मिलेगा भारत न्यूजीलैंड का। लेकिन फिलहाल हम आज के मैच पे ध्यान केंद्रित करते हैं और इंदौर प्रेस क्लब के हमारे पंडित जी तिवारी जी भी आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज का पहला सेमीफाइनल मैच शुरू होने को और हम अपने कमेंट्री बॉक्स में चलते हैं और हमारे हैं और का बहुत बहुत स्वागत जगदीश जोशी जी, हमारे जगदीश जोशी जी हमारे भाई हैं, बड़े पत्रकार हैं। बिल्कुल, और उनका भी स्वागत है, इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार। और ये पुणे मार दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए, बहुत ही लंबा। और अगर तो एक बार जो आप इनामों की बात कर रहे थे, हम उनके मुंह से सुन लेते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल इस बार इनाम राशि क्या है और क्या क्या चीज है। बिल्कुल देखिए, इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 एवं ट्रॉफी है, द्वितीय पुरस्कार 11,000 एवं ट्रॉफी है, साथ ही मैन ऑफ द सीरीज जो है अपना वॉशिंग मशीन दी जा रही है, जो कि लगातार 12 वर्षों से वॉशिंग मशीन हम देते हैं, और सभी हारने वाली टीमों को भी पुरस्कार, आकर्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहाँ से कोई निराश नहीं जाएगा, शायद जीते या हारे। और सबसे बड़ी बात तो ये टूर्नामेंट में आप हमेशा आते रहे हो और कहीं ना कहीं आपकी सहभागिता रही है, तो ये कैसे देखते हैं टूर्नामेंट को आप? इस प्रतियोगिता के लिए मैं सबसे पहले दीपक जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि समय समय पर इस तरह के आयोजन जो होते हैं उससे खेल की गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलता है। और दूसरा, ये जो पुरस्कार वितरण में जो जीतता है उसको तो पुरस्कार मिलते ही हैं, लेकिन जो हारने वालों को पुरस्कार मिलता है उससे कहीं ना कहीं प्रोत्साहन बना रहता है और खिलाड़ियों में एक उत्साह होता है कि हम और आगे एक अच्छी तरह से खेलें और जीत हासिल करें। बिल्कुल, मैं इस आपको बीच में रोक रहा हूँ, इस बीच दूसरा विकेट IND24 का गिर चुका है और अब IND24 को सोचना पड़ेगा कि उनको रन चाहिए, विकेट बचाना है, तो मैच एक अच्छी स्थिति में जा रहा है। जी जगदीश जी, आप कुछ बोल रहे थे? बस पूरा धन्यवाद दूंगा दीपक जी को, ऐसे आयोजन करते रहे, हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं दीपक जी के बिल्कुल पास हमने पहुंचा दी हैं। और अभिषेक रघुवंशी, बल्ला थम थाम करके मैदान में उतरना चाहिए, ये एक बहुत ही लगातार 10-12 सालों से हो रहा एक भव्य आयोजन है। और खास बात है कि इससे शहर में एक क्रिकेट का माहौल बनाने में और युवाओं में क्रिकेट की लोकप्रियता और स्वीकारता फैलाने में काफ़ी मदद मिलती है। हम जानते हैं अभी हम लोग यहाँ शाम को भी बैठक है और कल भी दोनों टीमों की कल अभ्यास है। मैं बात कर रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होने वाला है परसों, उसमें दोनों टीमें अभी जब हम लोग बैठे हैं अभी आधे घंटे में शहर में आ जाएंगी। और ये पहला मैच नहीं है, लगातार पिछले 4-5 सालों में ऐसे आधा दर्जन से ज़्यादा बड़े मैच हुए हैं और लगभग 1 दर्जन के आसपास इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं। यह एक शहर की खास पहचान दिलाने के लिए काफ़ी है और इससे ये पता चलता है कि शहर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर और खेलों को लेकर के जो माहौल है वो लगातार बेहतर हुआ है। और कई बार जब दूसरे टीमों के मैनेजर्स और बाकी लोगों से बात होती है, पिछले 2 साल पहले जब बात हो रही थी तो किंग्स 11 ने, और इसी बीच कुछ आपत्ति FDM जोन कक्ष पधारे हुए, उनसे कुछ चर्चा कर ले, उनकी अपने विचार क्या है। और इस स्कोर हो गया है 45 दो ओवर की समाप्ति पर। बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन ठीक रन गति कही जा सकती है टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में। बिल्कुल, और फाइनल मैच को निहारने के लिए हमारे पास प्रशासनिक अधिकारी काफी मौजूद है और हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है ADM साहब, और हम उनसे बातचीत शुरू करें। त्रिपाठी जी, स्कोर बता दें एक बार पहले। 45 तो दो ओवर की समाप्ति पर। दो ओवर
बिल्कुल, और सोनकच्छ के एडीएम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर पहले तो इस टूर्नामेंट में आपका स्वागत है, और इन दिनों जब ठंड का सीजन चल रहा है, पत्रकार लोग अपने काम धंधे छोड़कर क्रिकेट खेलने के लिए आ गए हैं रिलीफ होने के लिए, तो आप जब पहली बार ये क्रिकेट यहाँ देख रहे हैं, तो आपका पहली अनुभूति के शब्द हम जानना चाहेंगे। देखिए वर्तमान समय में तो अभी पूरे देश की यही मांग है, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसी तारतम्य में आपने जो आज का आयोजन करा है बहुत ही अच्छा है, और ठंड की जहाँ तक आप बात करें आज तो मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है और आपके साथियों को भी गर्मी लग रही सभी ने, और खेलने से तो गर्मी आती है, और युवा वर्ग जो है अभी विशेष टारगेट पे शासन प्रशासन सभी के, तो अभी सारे आपके पत्रकार युवा साथी जो मैच का वो कर रहे हैं वो देख के बड़ा आनंद भी महसूस हो रहा है, और अपना टाइम भी याद आ रहा है। हम भी इसी कॉलेज ग्राउंड में खेल चुके हैं, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, तो ये इधर आना जाना लगातार चलता था, हमारे भी यहाँ टूर्नामेंट हुए हैं, पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही है। बिल्कुल, और जब प्रशासन में आप होते तो दिन रात कोई ना कोई समस्याओं के क्रिकेट में होते रहते हैं, समस्याएं बॉलिंग करती है और आपको समाधान के बैट से उसको हल करना होता है, अनेक प्रकार के दबाव होते हैं। आपने जिक्र करा कि अभी पूरा देश खेलों की उसमें रमा हुआ है, आपने खुद ये जिक्र करा है कि इस मैदान पर भी आप खेल चुके हैं, तो जब कोरोना काल के बाद में जब हम सब जान चुके हैं कि सेहत के प्रति कितना हमारा योगदान होना चाहिए और नहीं होने के कारण कितना खामियाजा भुगतना पड़ा है, तो जो युवा आपको देख सुन पा रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी को यही बताना चाहूँगा, वर्तमान समय में अभी शासन की तरफ से भी आनंद उत्सव मनाया जा रहा है, प्रत्येक ग्राम प्रत्येक पंचायत में आनंद उत्सव के माध्यम से ग्रामों में भी वहाँ युवाओं की टोलियाँ इकट्ठी करके, और ना केवल युवा, हम इसको सीमित ना रखें, इसमें हर खेल किसी भी प्रकार का हो। देखिए अगर आपकी उम्र हो गई, वृद्ध हैं आप, तो मानसिक खेल होते हैं जैसे शतरंज हो गई, आप ताश के पत्ते खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, लूडो, इस प्रकार के खेल, फिर हमने बहुत सारे आयोजन अभी हम लगातार ग्राम पंचायतों में भी हमारे हो रहे हैं आनंद उत्सव के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने भी सभी जगह निर्देश दिए हम सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कि आपको लगातार आनंद उत्सव के माध्यम से लोगों में उत्साह बनाए रखना है, ताकि प्रत्येक समाज वर्ग, ना केवल युवा अपितु छोटे बच्चे, महिलाएं, वृद्ध, इवन विकलांगजनों के लिए भी, दिव्यांगजनों के लिए भी हम लोग ऐसे आयोजन कर रहे हैं, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे आनंद उत्सव का ही माहौल जो है कि मेरे को तो ये लग रहा है कि मैं आनंद उत्सव के आयोजन में बैठा हूँ, इतना बढ़िया यहाँ का माहौल लग रहा है। जी बिल्कुल, और हमें बड़ी खुशी है कि इस आनंद उत्सव को आप लोग महसूस करें, और इस आनंद उत्सव के पीछे जो टीम है, दीपक कदम और सुदेश तिवारी जी हमारे हैं, अभिषेक रघुवंशी जी है, इस बीच वरिष्ठ अभिभाषक जय हाड़िया जी हमारे बीच आ गए, उनका मंच पे स्वागत है, और जय हाड़िया जी, पाइन सात गेंद और 32 रन, विकेट भी लास्ट है, और सरपंच जी अच्छा कैच, और शायद कप्तान खुद अब गए हैं बाबू शेख, और अग्निबाण की टीम इस मैच में अपनी लगभग पकड़ बना, जब तक अंतिम गेंद ना हो जाए, वो अदालत हो या पार्टी कार्यालय, टिकट फाइनल नहीं होता है, तो यहाँ भी विजेता फाइनल नहीं हो रहा है फिलहाल, आकलन लगे हैं, रायशुमारी चल रही है, बिल्कुल, और मल्लार जी की टिप्पणी है जो सार्वजनिक तो नहीं की जा सकती, पर हाँ राजनीतिक, और इस बीच बाबू शेख को गेंद बीट करते हुए निकल गई, आउट की अपील की, लेकिन इस प्रकार अब 6 गेंदों का खेल शेष, और 6 गेंद 32 रन, हर गेंद पे छक्का या 5 छक्के और 1 चौका, बिल्कुल, और 6 पंजे 30 होते हैं, यदि अतिरिक्त रन नहीं आते हैं तो अग्निबाण विजेता बनने की राह पर है, और सनी अग्निबाण के सुपरस्टार खिलाड़ी रहे हैं, यदि अग्निबाण विजेता बनता तो मैन ऑफ द सीरीज की वॉशिंग मशीन शायद उनके खाते में जा सकती है। जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष उनसे कुछ कर ले, लक्ष्मीकांत पंडित जी से अनुरोध है, इंदौर प्रेस क्लब की महिला प्रतिनिधि हमारी बहन प्रियंका पांडे जी आई, उनसे भी निवेदन है मंच पर स्थान ग्रहण करें। हेलो, पिछली बार महिला टीम का हुआ था, इस बार हमारी महिला प्रतिनिधि पीतमपुर के चुनावों में व्यस्त थी, तो जैसा कि हम सब जानते हैं गौरव जी हमारे साथ मौजूद है, और गौरव जी आप हमेशा यहाँ आते रहे, और आज जब फाइनल मैच चल रहा है और दोनों टीमें
ताबड़तोड़ जीतने का प्रयास कर रही है। इस मीडिया सीजन 12 के इस मैच के बारे में सबसे पहले हम आपके विचार जानना चाहेंगे। आपकी पूरी टीम को मैं पहले तो शुभकामनाएं देता हूं। लगातार 12 साल से आप ये टूर्नामेंट भी दीपक करदम जी और पूरे हमारे प्रेस के सभी साथीगण आयोजित कर रहे हैं, और इस भरी धूप में भी जो पसीना बहा के आप परिश्रम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आप लोगों के स्वास्थ्य में भी इन दिनों में इजाफा होता होगा। आप लोग स्वस्थ भी महसूस करते होंगे और साथ साथ बौद्धिक क्षमताएं और बढ़ती होंगी, क्योंकि लगातार पत्रकारिता करते करते एक और ही आपके तीर चलते रहते हैं। इस समय थोड़ा तीर एक दूसरे पे चलते हैं खिलाड़ी के नाते। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सामने दो टीमें हैं, चेस जो चेजिंग टीम है उसका टारगेट क्या है?